कहते हैं हमारा आज का टॉपिक टॉपिक ऑफ पाउच केराटोसिस। तो चलिए देखते हैं दोस्तों टॉपिक ऑफ पाउच केराटोसिस को और भी बहुत सारे नाम है, जैसे स्नॉफ पाउच, स्पीक टॉपिक को, स्मोकलेस टॉपिक केराटोसिस। और तो चलिए बढ़ते हैं उसकी एटियोपिकोजेनेसिस की ओर। एटियोपिकोजेनेसिस सबको पता है कि निकोटीन की वजह से होता है, पर निकोटीन के साथ बैक्टीरियल रिएक्शन होता है जो प्रोडक्शन देता है एन नाइट्रोसन और निकोटीन, जो बैक्टीरियल रिएक्शन यानी कि क्योरिंग प्रोसेस के दौरान या फिर हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है और सलाइवरी नाइट्रेट्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट करते हैं, एन नाइट्रोसन और निकोटीन प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से टोबैको पाउच केराटोसिस होता है। सरफेस पर दिखाए जाते हैं, यहाँ पे हैबिचुअली पेशेंट में टॉपिक को रख रहा होता है, पेरिडोन्शियम में पेनलेस लॉस हो जाता है, पेरिडोन्शियम में जिंजाइवल टिश्यू का, टीथ में स्टेन एंड सर्वाइकल इरोशन दिखाई देते हैं। और बात करें ऑन इंस्पेक्शन की तो थिन ग्रे और ग्रेस वाइट ट्रांसलूसेंट लेजन होता है, तो लेजन डिपेंड होता है कि पेशेंट कितना टॉपिक को रख रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ऑन पल्पेशन की बात करें पेशन एंड सब म्यूकोसा को स्ट्रेच करते हैं वो रिप्ट सेंड और बीच होता है उसके जैसा अपीयर होता है और मल्टीपल फीचर्स दिखाई देते हैं। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन वेरियस कार्सिनोमा में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिससे स्नॉफ लिवर कैंसर भी किया जा सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो स्टॉपेज ऑफ रिपीट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अगर लीजन रिग्रेस नहीं हुआ एंड एडवाइस दी जाती है आफ्टर 6 मंथ्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।